गडकरी जी को सबसे शुरू में मैंने संज्ञान में लिया और उन्होंने तुरंत ही सरकार ने संज्ञान में लिया और उन्होंने तुरंत उसके पैसे सेंशन किए। उसके तंदीमल के करे करे साथ में ही उसने तुरंत किसका तुरंत रोकथाम के लिए उन्होंने पेवर्स और जो भी उसको बढ़ाने का काम भी किया जो 7 करोड़ का था तो वो भी किया साथ में इसका टर्मिनल का, क्योंकि टर्मिनल बनेगा तो टाइम लगेगा तो उसके लिए वो भी टर्मिनल भी उन्होंने सेंशन किया 100 करोड़ का। तो माननीय गडकरी जी को मैं धन्यवाद दूंगी कि जो जो ये मोहते हो रहे जो हमारे दो जिले के खरगोन धार के और पूरे देश के लोग भी वहां से निकलते हैं, हर किसी को डर रहता है, पर उन्होंने तुरंत संज्ञान में लेके इस काम को किया है। और NHAI भी मैं जब मिलने गई तो उन्होंने ये कहा कि मेरे को तुरंत ये काम चाहिए और उन्होंने तुरंत ही और NHAI को मैं भी धन्यवाद दूंगी, वो समय से पहले कर रहे हैं, दिसंबर में चालू हो जाएगा और ये जो सेक्शन है जो मोतों का घाट है तुरंत ही उनको लोगों को सुविधाएं मिलेगी। गणेश घाट जो ब्लैक स्पॉट है वो अति संवेदनशील है। पिछले दिनों करीब आज से 3-4 माह पहले वहाँ पर दुर्घटना हुई थी, 3 गाड़ियों में आग लग गया था। उसके बाद हम लोगों ने सुरक्षा के बाद पुख्ता व्यवस्था किए थे, वहाँ पर हम लोग डिवाइडर स्ट्रॉन्ग डिवाइडर लगाया, PA सिस्टम डेवलप किया, स्पीड लिमिट बनाया, फायर ब्रिगेड की गाड़ी रखवाया, हाईवे पेट्रोल की गाड़ी लगवाया, पुलिस बल बढ़ाया। उसके बाद भी पिछले 15 दिनों में यहाँ 2 ऐसी घटनाएं हुई हैं लगातार जिसमें 2 लोगों की मृत्यु भी हुई है। तो इस बात को लेकर के हम लोगों ने काफ़ी सतर्क होकर के वहाँ काम करना शुरू किया है। हमारी पूरी उप समिति के भी वहाँ पर दौरा हो गया है और सबसे बड़ी वहाँ दिक्कत रोड इंजीनियरिंग को लेकर के है। जब तक रोड इंजीनियरिंग नहीं होगा तब तक के पूर्णतः कामयाबी होने में थोड़ा दिक्कत जा रही है, लेकिन हमारी पूरी पुलिस NHAI के साथ मिल करके हम लोगों ने वहाँ पे स्पीड लिमिट करके वाहन को आगे बढ़ाने का हम लोगों ने प्लानिंग कर लिया है। SDOP दामरोद के साथ बैठक हो गई है, वो हम शुरू कर दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 3-4 महीने में वो जो रोड नया बन रहा है वो बन जाएगा। तब तक कम से कम वहाँ दुर्घटना हो इसके लिए हम लोगों ने पुनः समीक्षा करके स्पीड लिमिट, स्ट्रॉन्ग डिवाइडर, PA सिस्टम, जागरूकता अभियान के साथ साथ है जो गाड़ियां वहां पे चल रही हैं, कोई दुर्घटना होता है तो कोई क्षति न हो, जनहानि न हो, इसके लिए फायर ब्रिगेड, मेडिकल एम्बुलेंस सबकी व्यवस्था हम लोगों ने किया है, हमारा पूरा ध्यान है उस पर। मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा भी मिलेगा। गणेश घाट में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उसके 2 कारण थोड़ा सा नज़र आ रहे हैं, जो एक टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है, ढलान टाइप का जो रोड बना हुआ है जिसके कारण हादसे हो रहे हैं। हमारे थाना महेश्वर क्षेत्र में अभी तक कुल 113 लोगों की डेथ हो चुकी है। 2009 से ये हाईवे बना है तब से आज दिनांक तक 113 लोगों की डेथ हो चुकी है, जिसमें 64 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और 217 लोग साधारण रूप से घायल हुए हैं। अभी वर्तमान में एक अल्टरनेटिव 9 किलोमीटर का हाईवे बन रहा है जिससे पूर्ण संभावना है कि जो घटनाएँ जो एक्सीडेंट हो रहे हैं इसमें रोकथाम हो जाएगी।